हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में। आज के वीडियो में हम हिंदी पैदागोजी के 15 क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक रचनात्मक और दूसरा डैश पक्ष, यानी दूसरा पक्ष कौन सा है। ऑप्शन देखिए, साहित्यिक पक्ष, प्रकार्यात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष या फिर अलंकारिक पक्ष। तो देखिए, हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही जवाब। क्यों? एक है भाषा का रचना किस प्रकार हुआ है और दूसरा उसका प्रयोग, कि उसका प्रयोग हम कहाँ और कैसे करेंगे। तो पहला पक्ष हुआ रचनात्मक पक्ष, दूसरा हुआ प्रकार्यात्मक पक्ष, यानी उसके प्रयोग से जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा सवाल है, भाषा कौशलों के उप कौशल है। देखिए, भाषा के चार कौशल है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये हुआ भाषा के कौशल। बट यहाँ पे पूछा है उप कौशल, तो उप कौशल की संख्या कितनी है, 2, 4, 5 या फिर 3। तो देखिए, उप कौशल है 2। पहला क्या है, पहला है ग्रहणात्मक और दूसरा अभिव्यक्तात्मक। ठीक है, तो ये भाषा के 2 उप कौशल है और भाषा कौशल कितने हैं, भाषा कौशल है 4। आगे बढ़ेंगे, हमारा थर्ड नंबर सवाल है, बोधगम्य निवेश का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। बोधगम्य निवेश यानी कॉम्प्रेसिव इनपुट। देखिए, नॉम चोम्स्की, जीन पियाजे, स्टीफन क्रिएशन या फिर वाइगोर्स्की। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा, स्टीफन क्रिएशन ने जो है बोधगम्य निवेश का विचार दिया। इसमें क्या था कि बच्चों को जिस लेवल का समझ आ रहा है, हमें उनको एक स्तर यानी 1 लेवल प्लस में उनको सिखाना है कि नहीं, 1 लेवल प्लस में उनको सिखाना है, यही था बोधगम्य निवेश। हमारा अगला सवाल है, भाषा अनुवाद यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देखेंगे, भाषा को सरल व रोचक बनाना, द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली है, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना, या फिर विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम भाषाओं को जो है विभिन्न भाषाओं को पृथक व्यवस्था के रूप में देखेंगे, बिल्कुल रॉन्ग है। भाषा को सरल और रोचक बनाना ऐसा नहीं है। जो ट्रांस लैंग्वेजिंग है, उसका तात्पर्य यह है कि पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से जो परिभाषित भाषा है ना, उसकी सीमाओं को चुनौती देना, उसके लिए एक चैलेंज देना। क्यों? क्योंकि उसके विकल्प के रूप में हम भाषा अनुवाद के द्वारा बहुत सारे शब्द ला सकेंगे। इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा सही जवाब। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड ही अब फिक्स रहेगा, हम अनुवाद के द्वारा अलग अलग भाषा के शब्दों को प्रयोग करके ट्रांस लैंग्वेजिंग के द्वारा उसको बदल सकेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारा 5 नंबर सवाल है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है। यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में जो केंद्र में कौन है, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक या फिर सहपाठी। तो देखिए, हमको ये मालूम है कि हमारा जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित है, बट यहाँ पे जो है यह इसके केंद्र में शिक्षक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है निष्क्रिय थोड़ा पैसिव रोल निभाएंगे और वह श्रवण द्वारा यानी टीचर को देखकर और सुनकर सीखेंगे। टीचर जो करेंगे, बच्चे उसको देखेंगे और टीचर जो बोलेंगे, बच्चे उनको सुनेंगे, इस प्रकार वह शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे शिक्षक की मेन भूमिका है TPR में। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक भाषाई डैश है। यहाँ पे 2 खाली जगह है, आपको 2 शब्द चाहिए जो सटीक हो। ऑप्शन देखिए, भाषिक संबल, भाषिक हथियार, साहित्यिक चुनौती चैलेंज या फिर भौगोलिक विस्तार। देखिए, ऐसा नहीं कि हमारा भौगोलिक विस्तार हमारे लिए एक चैलेंज है या फिर जो भी, तो ये ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है। भाषिक हथियार बिल्कुल नहीं है, साहित्यिक विविधता हमारे लिए एक चैलेंज ये भी नहीं है। यहाँ पे हमारा जो सबसे सही बैठ रहा है वह है भाषिक संबल। हमारे देश की भाषिक विविधता हमारे लिए भाषाई संबल है। संबल का मीनिंग है यहाँ पे शक्तिशाली है, हमारा एक हमारे लिए एक सुविधा है, संसाधन है, हमारी एक शक्ति है हमारी भाषा की विविधता। क्यों? भारत में तरह तरह के भाषा बोले जाते हैं, कोई भी मनुष्य किसी भी क्षेत्र में चले जाए उसको नई भाषा देखने को मिलेगी, तो ये हमारे लिए एक शक्ति है, एक औजार है। 7 नंबर में हमारा सवाल है, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है। क्या कहलाएगी वह परीक्षा जो किसी पाठ के चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद ली जा रही है। ऑप्शन देखिए, निदानात्मक परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, स्मृति परीक्षा या फिर श्रेणी हेतु परीक्षा। देखिए, निदान क्या है, जब हम किसी बच्चों की समस्या को खोजेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर के पीछे हम वो टेस्ट लेंगे, नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर होगा
उपलब्धि परीक्षा यानी अचीवमेंट टेस्ट जो किसी भी पार्ट के कंप्लीट होने के बाद ली जाती है। यहाँ पे देखिए हमारा अगला सवाल है, भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, तो यह सिद्धांत किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा चॉम्स्की जो है सी सही जवाब होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर भाषा को अर्जन करने की क्षमता है, बिना किसी प्रयास के मनुष्य नेचुरली भाषा को अर्जन कर सकेंगे। 9 नंबर में हमारा सवाल है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डैश ही होना चाहिए। प्राइमरी लेवल में शिक्षा का जो मीडियम है क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी या फिर विदेशी। देखिए अंग्रेजी होना ही नहीं चाहिए, विदेशी हम किसी और के भाषा को अपना फर्स्ट लैंग्वेज क्यों बनाएंगे? हिंदी और मातृभाषा, देखिए हिंदी अपने जगह ठीक है, लेकिन किसी भी बच्चे का जो शिक्षा जो है प्रारंभ में उसके मातृभाषा से प्रारंभ करना सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है किसी भी चीज़ को अपने मातृभाषा में बहुत आराम से सीखेंगे, सरल तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन मातृभाषा होगा सही जवाब। यहाँ पे देखिए हमारा अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सबसे मेन पॉइंट पूछा है, रंगीन चित्र, सार्थक पुनरावृत्ति, संक्षिप्त वर्णन या फिर केवल चित्र। देखिए जहाँ केवल ऑप्शन वो हमेशा रॉन्ग ही होगा, और ऐसा नहीं कि बस बच्चों के बाल साहित्य में ड्राइंग ही मेन है, ठीक है। संक्षिप्त वर्णन, वो बच्चे हैं, उन्हें कोई भी चीज़ हमें छोटा करके नहीं समझाना है, बड़े लेवल में समझाना है, विस्तार से समझाना है, तो हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। रंगीन चित्र ये अपने जगह पे सही है, रंगीन चित्र होना चाहिए, पर देखिए उससे ज़्यादा मेन है सार्थक पुनरावृत्ति, यानी जो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको दोहराया गया हो ताकि बच्चे के ज्ञान में वो अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है ये ज़्यादा मेन पॉइंट है। देखिए यहाँ पे हमारा 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक आवश्यक प्रविधि मानती है, यानी कौन सी विधि रिपीटिशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है? व्याकरण अनुवाद विधि, सभ्य भाषावाद, समूह भाषा शिक्षण, संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण। देखिए संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण हो, समूह भाषा शिक्षण हो या फिर व्याकरण अनुवाद विधि हो, कहीं भी दोहराव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है, बट हमारा जो ऑप्शन बी है सर्व भाषावाद, इसमें दोहराव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। यहाँ पे बस सुनो और बोलो, है कि नहीं, बस बच्चा जितना सुनेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, बार बार सुनेगा, वह उतना अच्छा बोलेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सभ्य भाषावाद जो है वहाँ पे सही जवाब है। यहाँ पे देखिए हमारा 12 नंबर सवाल है, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है, रचनावाद का विश्वास क्या है? सीखना व्यक्तिगत विशेषता है, सीखना सामाजिक निर्मित है, सभी विद्यार्थी भाषा नहीं सीख सकते, या फिर सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है। देखिए ऐसा नहीं है कि सीखना व्यक्तिगत विशेषता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीखना सामाजिक निर्मित है, ये सही है कि बच्चे समाज में सीखते हैं, आस पड़ोस समुदाय सभी से मिलकर वो सीखने में उनको बहुत हेल्प मिलती है। देखिए ये बिल्कुल रॉन्ग है कि सभी बच्चे भाषा नहीं सीख सकते, सभी बच्चे भाषा सीख सकते हैं, इसीलिए हमारा सी बिल्कुल रॉन्ग है। सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है, यह भी रॉन्ग है। क्यों? ऐसा नहीं है कि सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है, इसमें बच्चों के स्वयं का एफर्ट भी काम करता है। तो हमारा यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सीखना सामाजिक निर्मित है, यह बिल्कुल सही है कि बच्चे समाज में क्रियाकलाप के द्वारा सीखता है। अगला सवाल है हमारा, हिंदी भारत की डैश है, यानी हिंदी भारत की क्या है? ऑप्शन देखिए, सह राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा या फिर शास्त्रीय भाषा। देखिए हिंदी को बहुत लोग हमारा नेशनल लैंग्वेज मानते हैं, बट ये हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे संविधान के आर्टिकल 3431 में यह बोला गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। ओके आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला सवाल है, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ क्या है? ऑप्शन देखिए, भाषा सीखने हेतु निवेश, नैतिकता के लिए, अपने समाज के बारे में सीखना, या फिर दोहराव या पुनरुत्पादन। देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चे दोहराव के लिए या फिर पुनरुत्पादन के लिए कहानियाँ सीख रहे हैं, अपने समाज के बारे में, इतने छोटे बच्चों के मन में ऐसा नहीं है कि वे समाज के बारे में या फिर नैतिकता के लिए कहानी को समझ पाए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्यों? भाषा सीखने हेतु निवेश, जैसे कि हम कोई भी बिजनेस या काम शुरू करने से पहले उसमें बहुत सारा पूंजी लगाते हैं, उसको बहुत अच्छे से सेटअप करते हैं, है कि नहीं, ताकि वो आगे जाके हमें उससे बहुत फ़ायदा मिले। उसी तरह भाषा सीखने के लिए कहानियाँ क्या है,
हमारा एक निवेश है जिसके थ्रू आगे चल के हम और अच्छे तरीके से भाषा सीख पाएंगे। हम वहाँ पे कहानी के थ्रू निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा सही जवाब। हमारा आखिरी सवाल है, देखिए भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पे सवाल को ध्यान से देखना होगा आपको, पूछा है भाषा आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है। देखिए ऑप्शन, बच्चों के सीखने में मदद करना, बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, या फिर बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। देखिए आकलन का उद्देश्य यह जरूर है कि बच्चों को सीखने में हेल्प करना, और आकलन के द्वारा एक टीचर को यह जरूर मालूम चल जाता है कि उसके बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उनको किस विधि से सीखने में आसानी है, किस में प्रॉब्लम है। तो हमारा ये भी आकलन का उद्देश्य है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। देखिए यहाँ पे आकलन का उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चों को बस पास या फिर फेल करना है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। बट अगला ऑप्शन देखिए आप, बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। आकलन का उद्देश्य ये भी है कि बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का भरपूर अवसर दिया जाए, बट बच्चों को केवल पास या फेल करना जो है आकलन का उद्देश्य नहीं है, और यहाँ पे नहीं पूछा है, इसीलिए हमारा जवाब जो है ऑप्शन थर्ड होगा। तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है, चैनल पे बने रहिए और भी ढेर सारे वीडियो के लिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए। थैंक यू।